हमें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाते हुए दिल्ली पुलिस ने मतलब दिल्ली में एंट्री पे ही रोक लिया। यहाँ पे पंजाब की गाड़ियां रोक रखी थी, हम उनको देख के यहाँ पे रुके, पंजाब की गाड़ियों को भी वापसी करा। क्या दिल्ली में किसानों पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध बैन है? क्या कोई हरा गमछा लेके या चादर ओढ़ के दिल्ली में जा नहीं सकता? क्या राकेश टिकैत या दूसरे किसान लीडर दिल्ली में, उनको कोई कोर्ट से स्टे यहाँ पर लगा दिया पुलिस ने? ये बात समझ से परे है। आप देखोगे कि गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली एंट्री पे हम हैं, पुलिस ने रोका है। वहाँ एक जंतर मंतर पे बेरोजगार का एक आंदोलन वहाँ पे चल रहा था, उसमें जाने के लिए हम वहाँ पे शरीक हुए थे। वो कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, हमारे बैनर पे भी नहीं है, वो एक संयुक्त बेरोजगारों का एक आंदोलन है, उसमें जा रहे थे। तो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे ऊपर जो 9 नंबर हाईवे है, जो सिर्फ गाजियाबाद से दिल्ली में ही जाकर खुलता है, जो एक मकड़ जाल की तरह है, उसमें भी दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई है। उसमें को निकलते ही वहीं पकड़ के यहीं खड़े कर रखे, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब दिल्ली में जाने पे भी बैन है, ऐसा तो हमने देखा नहीं। कहीं राजधानी में जाने पे भी बैन हो, अब पुलिस सारी खड़ी, यही सारे अधिकारी आ रहे, बता कोई कुछ रहा। धन्यवाद।